मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारे हिंडौन शहर के ही नहीं अब तो राजस्थान के जिन्हें नवोदित भी कहें और स्थापित भी कहें, दोनों शब्द एक व्यक्ति के साथ एक साथ नहीं जुड़ते, पर आपका अनुभव, आपकी लेखन शैली और आपका अध्ययन आपको ये दोनों शब्दों को एक साथ बोलने के लिए हृदय को आतुर करता है। मेरे पास बैठे हुए हैं श्री सोमनाथ जी शर्मा, हिंदी से व्याख्याता हैं आप, और हाल ही इनका कोहरे से लिपटी सांच प्रथम संकलन छपकर आया है, कविता संग्रह है, और राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से आपको आर्थिक सहयोग से ये प्रकाशित हुआ है। नाम है कोहरे से लिपटी सांझ। आप कवि सोमनाथ शर्मा हैं। पढ़ने के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा और सारी चीजें, पर बाकी इनके जो विमोचन कार्यक्रम को मैंने देखा था, बड़ा अच्छा लगा। विमोचन कार्यक्रम में भी आपके द्वारा कई कविताएं के छोटे छोटे मुखड़े सुनाए गए। मैं बात करूंगा सीधा श्री सोमनाथ जी से। सोमनाथ जी, आपने इसको प्रकाशन कराते समय आपको मन में कैसी कैसी स्थितियों से गुजरना पड़ा, कुछ आप बात बताएंगे अपने हृदय की? सर्वप्रथम जन सरोकार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये अवसर दिया कि हम आज वीडियो के माध्यम से जितने भी दर्शक वर्ग हैं उनसे मुखातिब हो रहे हैं, और हमारे शहर के जाने माने साहित्यविद और लेखक, शिक्षक और एक अच्छे, मतलब अच्छे साहित्यविद जिन्होंने क्या है, जिनके आशीर्वादों से और मैं इस कृति को लिखने के लिए प्रेरित हुआ। उन्हें बहुत सारे लोगों के नाम है, लेकिन मैं किसी एक नाम या दो नाम बताकर औरों को उपेक्षित नहीं करना चाहता। इसमें बहुत सारी कविताएं इससे पहले मैं लिख चुका था, लेकिन राजस्थान साहित्य अकादमी की जो प्रतिवर्ष आर्थिक सहयोग के माध्यम से पांडुलिपि प्रकाशन योजना होती है, उसमें चयनित कविताएं, कुछ श्रेष्ठ कविताएं ही भेजनी होती हैं, तो उनमें से चयन करना भी बड़ा मुश्किल काम था कि कौन सी कविता वो रखें, कौन सी कविता ना रखें। फिर भी कई मेरे परिचित लोगों के सहयोग से और कुछ मेरी पसंद से मैंने कुछ कविताएं रखी इसमें, और उनके खंड किए प्रेम की, वर्तमान समाज की विसंगतियों की और दर्द की, कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं, कुछ घर आंगन परिवार से संबंधित कविताएं, और फिर उनको भेजा। और राजस्थान साहित्य अकादमी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना, उन्होंने मेरी कृति को तवज्जो दी। आपके द्वारा इन कविता संग्रह में कई ऐसे अनूठे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे अध्वनित होठ। सोमनाथ जी, आपके द्वारा काव्य संग्रह में कुछ नए शब्द युग्म गढ़े हैं, जैसे अध्वनित होठ, कोमल उत्पल, अल्लड़ करवट, उन्मत्त विलास, तो ये शब्द आपको कहाँ से थोड़ा कही, या पहले अध्ययन किए हुए, या एक एक प्रकार से विपरीता, मतलब उसमें आइए बिल्कुल नए शब्द प्रयोग मेरे नजरों में तो ऐसा तो नहीं है। फिर बिल्कुल पूर्व में क्या है, आदमी का जो शब्दकोश है वो कहीं ना कहीं अपने लोक जीवन से या जो अध्ययन अध्यापन जो भी कार्य करता है उनसे बनता है उसका, और फिर कविता और उसकी विषय वस्तु, उसकी भाव भंगिमा, उसमें क्या विचार, क्या संप्रेषण आप दे रहे हो, उस हिसाब से भी क्या है कि कहते हैं ना कि कविता सही शब्दों का सही क्रम है, तो एक शब्द की एक बड़ी ताकत है अपने आप में, तो वो मैंने एक प्रयास भर किया है इसमें बस, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने अपने आप ही स्वतः या कोई ऐसी मेरी बड़ी महत्ता है इसमें। आपने जो इस संग्रह में अपनी कविताओं को कई खंडों में बांटा है, जैसे पहला है आपका प्रेम का पेंडुलम, दर्द के कीलाक्षर, अस्तित्व की पड़ताल, आईने के सामने, और देखा है मैंने, और विवधायन, तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट आपको किस दृष्टि से आपने इनको खंडों में बांटा?
ये कॉन्सेप्ट अभी जो फिलहाल जो वर्तमान में समकाल में जो कविता संग्रह प्रकाशित हो रहे हैं उनमें भी मैंने पढ़ी है कई अच्छे राइटर्स की कविताएं, तो कविता काव्य संग्रह, तो उनमें भी ऐसा मिला मुझको। और फिर मेरी कविताओं का भी मैंने जब देखा तो इनमें सारी कविताएं मतलब प्रेम की भी, दुख दर्द की भी, वेदना की, और वर्तमान सामाजिक विसंगतियों की, प्रकृति पर कविताएं मैंने लिखी है, और घर आंगन परिवार से संबंधित कविताएं लिखी है। आप अपने संग्रह में से कोई प्रेम की कविता सुनाए सोमनाथ जी, कविता जो आपको सबसे ज्यादा सरप्रिय लगी हो, या आप अधिकांश मौकों पे जैसे सुनाना पसंद करें, ये आप भले ही संग्रह से भी है। जरूर, प्रेम की इस काव्य संग्रह में 9 कविताएं करीब, उनमें से मैं एक छोटी ही कविता है उसको सुनाना चाहूंगा। तुम्हारे प्रति शीर्षक कविता है। तुम्हारे प्रति ये मेरी रति एक डूब है गंगा घाट पर, गहरी और भी गहरी, सात्विक और आत्मिक, पावन और निर्मल। अर्घ्य है उगते सिंदूरी सूर्य को नतशीश, अंजुरियों का हृदय कमल शीतल। आचमन है ईश चरण जल निश्चल, यज्ञ है सत्यम शिवम सुंदरम हित कोमल। व्रत है चंद्र का निर्जल पलपल, आरती है कपास लौ सहित शंख जल। शुद्धि है समष्टि की विचारों और बुद्धि की, छींट जल दूरवा दल। समर्पण है अनन्य मेघ सम अमृत जल जीवन जल। उत्सव है रूप और रंग का, तुम्हारे अंग अंग का, मेरी उमंग का प्रेमल। तुम्हारे प्रति ये मेरी रति, मेरी रति। बहुत सुंदर आपने जो ये प्रेम गीत को बिल्कुल उपासना का साध्य बना दिया, उपासना की सारी चीजें, चाहे वो अर्ध हो, आचमन हो, व्रत हो, शुद्धिकरण हो, और उत्सव तो है ही अपने आप में। मैं इस संदर्भ में आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा सोमनाथ जी। हमारे बड़े साहित्यकारों ने, नामचीन साहित्यकारों ने प्रेम के दो पंथ अति सुदो सनेह को मारा है, या नेक सयानक बांध रही, और दूसरे ने कहा कि तलवार की धार पे धारत हो, तो आप दोनों में से किस श्रेणी में मतलब प्रेम को रखना उचित समझेंगे? दोनों पे ही बन के आएगी बात है, दोनों एक ही बात है, ना प्रेम सूदा मारे ना तलवार की धार पे दौड़ना ही है। हाँ, यदि समर्पण है तो बिल्कुल सुधा है, सात्विकता समर्पण हाँ है तो सुधा है। चलो बहुत अच्छी बात। दूसरा खंड आपने जो है इसमें दिया है एक बढ़िया है, दर्द के कीलाक्षर। अब यह इसमें कहीं आपने कहीं अपने दर्द को भी संजोया है क्या इस कविता संग्रह में? प्रत्येक कोई ऐसा दर्द ऐसा महसूस किया हो आत्मगत के रूप में, अपने दर्द की कहीं अनुभूति इसमें किसी कविता में आई हो? बिल्कुल बिल्कुल आई हो, तो वो कविता आप सुनाए। इसमें एक शीर्षक कोहरे से लिपटी सांझ, जो स्कैप संग्रह का शीर्षक है उसी से संबंधित कविता भी है इसमें, कोहरे से लिपटी सांझ। अच्छा, ये दर्द के कीलाक्षर से में लिया गया है। हाँ, इसमें क्या है कि जो तो कोहरे से लिपटी सांझ से ही आपके अर्थ संप्रेषित करना चाहोगे जनमानस में? एक यही है कि कोहरा जिस प्रकार एक सर्दी का भी प्रतीक है, शीत का, जिससे व्यक्ति बचना चाहता है, ठिठुरता है उसका तन मन सब कुछ, और एक धुंधलापन है, धुंधलापन भविष्य की दिशा में भी आपकी रुकावट है, अवरोध है, आप कहाँ जाओगे। और सांझ भी अपने आप में क्या है, एक उदासी का और एक अंतिम उस चरण का प्रतीक है जीवन का। तो इस दृष्टि से भी एक दर्द के कीलाक्षर में ये फिट बैठती है कविता जी, और इसको ही मैं सुनाना चाहूँ, क्योंकि ये कविता एक महानगरीय जीवन में जो व्यक्ति एकदम से आ जाए और उसको अपना न बना सके, जो ऐसा व्यक्ति जो एक कस्बा एक गांव से निकला हो, और तो उसकी भी इसमें क्या है एक झलक है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली से फिर यहाँ आया हूँ, 5 वर्ष मैंने वहाँ व्यतीत किए, दिल्ली के प्रदूषण को आपने भी महसूस किया है, दिल्ली का जो सांस्कृतिक और सब तरह का जो प्रदूषण है वो सब महसूस किया, तो वो प्रदूषण कहीं इसमें भी इंगित होता है क्या कोहरे से लिपटी सांझ में? अब जितना मैं स्वानुभूत कर पाया हूँ। अच्छा, सुनाए पहले कविता सुनाया। हाँ,
कोहरे से लिपटी सांझ शीर्षक कविता का जी। कोहरे से लिपटी सांझ सर्द और सख्त, आंखों में जमी सीने में धसी बर्फ सी, बेजान बेमुरब्बत परछाइयों से मिलते बिछड़ते, अनगिन दिशाओं में बढ़ते अनगिन कदम जी। रोजी रोटी की जुगत में थके हारे मारे मारे फिरते हरदम, एक कतरा भर कदम मेरा भी तेरा भी हर आमो खास का, खत्म होते लुटते विश्वास का। ये वहां के जीवन में जो बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, समझ में आ रही है। हर क्षण एक डर, हर क्षण थर थर, एक उचाट सूनापन निचाट, एक बियाबान में लापटका खोया खोया अनमना सा, हाफता दिशाहीन अस्तित्व, डबडबाई आंखों में सिमटते सपनों की कब्रगाह, अधखुल होठों में लरजती ख्वाहिशें बेपनाह, कपकपाते पैरों से जुड़ी आतुर बाह, पछाटे मारती हथेलियां दुनिया के अंधी होड़, न बुझती चाह, लंबा सफर अकेला चांद कटा आसमान लहू लुहान। वाह। खिड़की की जंग लगी जालियों से छनती चांदनी का मटमेला उजास, ताकता अपलक अनवरत में सायास, क्योंकि कुछ भी कुछ और नहीं आसपास सिवाय बिस्तर पर पड़े रहने के और नींद न आने तक सोचते रहने के, बीतराग समय लुटते मकरंद पराग समय, रह रहे उगता सुनहला सूरज मेरे शहर का रूप पहला सूरज। उस महानगरीय जीवन में जब व्यक्ति को बार बार क्या अपना बचपन अपना अपनी कस्बाई जो जिंदगी है वो याद आती है, चमकता बार बार आंखों में दमकता बार बार, और आखिरकार लौट जाता मैं पतंगों से भरे खुले आसमान में, खेलों के मैदान में, जीभर कुलांचे भरता किसी से न डरता, अनथक अगाध आनंद की लहरों पर तैरता, अनिर्वचनीय बचपन मुझे आ घेरता, जहां गिल्ली डंडे की चटचटाक, गेंद बल्ले की धूम धड़ाक, उड़ती पतंगे खनकते कंचे, खुला आंगन फुदकती चिड़िया, चूल्हा रस भरी रोटियां, मेरे प्यारे दोस्त मेरा सारा जहान, मेरी शख्सियत मेरा इंसान, सबसे मिलाता सबको जी आता, कुछ देर सावन को पीकर बसंत को जीकर, धकियाया सा आसमानों से टूटकर मैदानों से छूटकर लौट आता वहीं जहां रोशनी की झालरें बुनती जिंदगी के तराने बुनती, अनेकानेक रूपों अनेकानेक रंगों से सजी दिल्ली, बहुरूपिया बहुरंगी दिल्ली, बनावट सजावट घबराहट, रेले मेले खेले झमेले दुर्निवार, चमकती लकतक गाड़ियां मानो रेंगती चींटियों की लंबी कतार, चीखती सड़कें बेअंत दौड़ता मानव दिग्दिगंत, बहुमंजिला इमारतों में कैद घरगांव से दूर जिंदगियां, न छत न आंगन मटमेला सूरज बदरंग आसमान, न भरोसा न दिलासा अंततः निराशा अंततः हताशा। बहुत सुंदर सोमनाथ जी, ऐसा लगता है कविता को सुनकर कि न केवल दिल्ली के प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण की व्यापकता को आपने बढ़ा दिया है। आज जो चैनल है बात कर रहे हैं वो केवल मौसमी प्रदूषण की बात कर रहे हैं और एक उसको पराली जलाने से जोड़ रहे हैं, पर आपने पता नहीं आंगन आंगन की पराली की धुआं उठा दी है। ऐसा लगता है कि दिल्ली के आंगन आंगन में भी कहीं ना कहीं प्रदूषण की पराली, चाहे वो सामाजिक विवेचना की हो। और एक मैं छोटा सा आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्रतीक जो चिन्ह लिए हैं, उड़ती पतंगे खनकते कंचे खुला आंगन और भी आगे अपन जो जो लिखा है, तो इसमें कहाँ कोई प्रगतिवाद की कहूँ या प्रयोग बाद का असर है, आप कोई बाद से जुड़े हो क्या? नहीं, नहीं, कोई बात कोई धारा कोई सिद्धांत कुछ इसमें अच्छा विशेष रूप से कुछ केवल बेधड़क और बेमन में आया अनुभूति सरल अनुभूतियाँ सहज और सरल अनुभूतियों से, लेकिन बड़ा अच्छा मतलब दृष्टिपात आपके कविता के द्वारा किया गया है। और दिल्ली को बिल्कुल जो बहुरूपी और बहुरंगी दिल्ली, बनावट सजावट घबराहट, रेले मेले खेले झमेले दुर्निवार, बहुत अच्छा मतलब कहीं ऐसा बिंब ऐसे खींच के धर दिया, और अंततः निराशा अंततः हताशा, दो शब्दों ने तो आपकी कविता में बाकी में अच्छा बहुत सुंदर लगा मतलब सोमनाथ जी। और आगे इस पे चलो पूरी कविता का अध्ययन करने के बाद और अपन बातें करेंगे। बाकी जैसे अस्तित्व की पड़ताल में आपने कविता को चयन किया है, हाँ, मैं पुरुष हूँ, हाँ, और यहाँ मैं कविता को सुनना भी चाहूँ पर नहीं आपसे। बाकी हमारी जो धार्मिक अवधारणा है अर्धनारीश्वर की परिभाषा है, हिन्दू धर्म तो ये मानता है कि पुरुष पूर्ण पुरुष एक ही हुए हैं और हम सब अर्धनारीश्वर है। तो अभी तो खैर मैं केवल आमुख ही पढ़ रहा हूँ, इसका शीर्षक ही पढ़ रहा हूँ, स्त्री मैं पुरुष हूँ, आपने लिखी है ये, मैं आप मेरे वाणी में पढ़ू, स्त्री मैं पुरुष हूँ, तुमने मुझे गर्भ में सींचा धारण किया, असह वेदना सही बात्सल्य भरी गोद दी, पोषण किया बड़ा किया विभूषित किया, हर बार तुमने ही विष पिया मुझे अमृत दिया। बहुत सुंदर,
नारी का उत्थान के लिए यहाँ तक बहुत अच्छा लगा। तुमने ही मुझे प्रेम की तृप्ति दी, सौंदर्य से आकृष्ट किया, मेरे जीवन में रंग भरे, सावन की हरियाली, बसंत की मादकता दी, अपना सारा जीवन तन मन अर्पण किया, पर मुझे अपने ही पौरुष का दम रहा, मैं हमेशा आक्रामक आतताई विजेता बना, अट्टहास करता रहा, मैं स्वच्छंद व्यभिचारी काम त्रिषित रूप लोभी भ्रमर ही रहा। बहुत सुंदर सोमनाथ जी, तुम्हारा प्रयास करता रहा। गजब, आपने एक बिल्कुल सपाट बयानी में खेद के डाल दिया कि मरद मरद है, और जबकि नारी यहाँ तुम्हारा परिहास करता रहा, शब्दों में कितना देखो दम भर दिया आपने। मैंने तुम्हें बांधा, झगड़ा, कैद किया खुद की मुक्ति के लिए, तुम्हारे शरीर ही नहीं मन का भी बलात्कार किया, मैं पुरुष था पुरुष ही रहा, इसलिए मैंने यदि शुरुआत में कह दिया कि नवोदित नहीं है, कभी स्थापित लगता है मुझे, तो ये आपके कहीं लेखन की परिपक्वता नहीं, अध्ययन की परिपक्वता है, पर खुद तुम गुस्से अति आविष्ट मुझ में भी प्रविष्ट हुई, तुमने पौरुष दिखाया पर दम नहीं, तुम विजेता बनी धर्म की कर्म की, तुमने अपने सांचे में मुझे ढाला, खुद में पाला, मैं एक ही था तुम दोनों हुई, गजब, मैं अपूर्ण रहा तुम संपूर्ण हुई, इसलिए तुम मूर्त रूप हो सत्यम शिवम और सुंदरम का प्रथम पूज्य आदतम आद्यंत सी प्रकृति का। बहुत सुंदर सोमनाथ जी, और विशेष चर्चा आपकी पूरी संग्रह को बड़ी बारीकी से पढ़ने के बाद बाकी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सोमनाथ जी आप आए, पुस्तक मुझे भेंट की, मुझे भी आपने साहित्य की श्रेणी में कुछ समझा, और मैं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं, और प्रभु से यही कामना करूंगा कि आप दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे